आप देख रहे हैं मोमिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया। आज हम आपके लिए एक और ठंडी ठंडी समर स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि है बूंदी का रायता रेसिपी। तो आइए फटाफट से रायता की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बूंदी का रायता बनाने के लिए हम ले रहे हैं दही, जो हमने लिया है 2/3 कप। इसे हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे हैंड विस्क की मदद से, आप चाहे तो चम्मच से किसी भी चीज़ से फेंट सकते हैं। इसमें बस लम्स ना रहें और ये स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाए तब तक आपको इसको मिक्स करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। बेसिकली पानी आपको जितना आपको पतला रखना है रायता उस हिसाब से डालें, और याद रखें कि बूंदी जब हम डालेंगे तो वो भी एक्सेस वाटर जो है वो सोक कर लेगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा काला नमक, जो हमने 1/4 छोटा चम्मच लिया है, और इसमें डाल रहे हैं हम नमक जो आप स्वाद अनुसार ले। काला नमक भी नमकीन करता है, इस हिसाब से ही आप नमक डालें। और इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, और इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा चीनी। चीनी ऑप्शनल है, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर डालेगी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जो हम इस तरीके से बीच से काट के स्लिट करके उसको बारीक काटेंगे। हम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ आधी हरी मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी चॉप धनिया पत्ती, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये हमारे रायते का बेस तैयार हो गया है। अब हम अपने रायते को पोर करेंगे सर्विंग बाउल में, और इसमें हम अपना की इंग्रेडिएंट डालने जा रहे हैं, जो कि है बूंदी। हमने यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्रिस्पी बूंदी ली है, जो कि बेसन की बनी होती है। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप फ्रेश बूंदी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत पुरानी बूंदी है या फ्रेश अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आपका पूरा रायता ख़राब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी की फ्रेश बूंदी ही इसमें डालें। अगर आपको क्रिस्पी रायता पसंद है, क्रिस्पी बूंदी का रायता, तो बिल्कुल सर्व करने के टाइम ही बूंदी ऊपर से डालें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। बहुत जल्दी इसका दही का पानी जो है सोख लेगी। और ये हम थोड़ा सा बूंदी जो है ऊपर से डाल रहे हैं गार्निश के लिए। तो ये हमारा बूंदी का रायता ठंडा ठंडा कूल कूल बिल्कुल तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये बूंदी का रायता रेसिपी पसंद आई हो। इसे किसी भी मेन कोर्स डिश के साथ ड्यूरिंग समर सीजन आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मोमिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।